बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम ईटा के थ्रू सीटी का पेपर जो 17 अप्रैल 2022 को हुआ है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ईटा के थ्रू होने वाले किसी भी टेस्ट की तैयारी कैसे करें और कहां से करें। इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक ज़रूर देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आयो बैटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। टेम्परेचर, सोयल और वाटर जो हैं ये आयोबैटिक कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के। सो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द परसेंटेज ऑफ नोबल गैसेस इन एयर एटमोसफेयर इज अबाउट। सो यहाँ 0.009 यानी कि 9% जो है इसका करेक्ट आंसर है। रेयर ग्रुप्स की ऐसी किस्म जिसमें हेलियम, नियोन, आर्गन वगैरह ये सब शामिल हों तो उसे नोबल गैसेस कहा जाता है। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। सो सोल्यूशन इसे कहते हैं, सोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेस्ट डॉट 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 वर इम्प्रेस्ड बाय द पार्टी हेयर ट्रिपल डॉट इंडिकेट्स। सो यहाँ जो ट्रिपल डॉट दिया गया है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये एलिप्सिस को इंडिकेट करता है। एलिप्सिस कहते हैं ग्रुप ऑफ डॉट्स की, यानी कि दो से तीन ग्रुप्स अगर हों या दो तीन एक ही साथ डॉट्स हों तो उसे ग्रामर में एलिप्स कहते हैं, एलिप्सिस कहते हैं। अ फोक टेल फ्रॉम द पास्ट इज कॉल्ड। सो स्टोरी कहते हैं, स्टोरी फोक टेल का मतलब होता है दास्तान, कोई कहानी, कोई स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड मॉडिफाइंग एन एडवर्ब इज कॉल्ड। सो एडवर्ब ही एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, जैसे कि एक सेंटेंस है प्लीज़ वर्क वेरी केयरफुली। सो यहाँ देखें वेरी भी एक एडवर्ब है और केयरफुली भी एक एडवर्ब है। सो एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। सो एडवर्ब इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। ही विस्पर्ड इन हर ईयर हेयर इन हर ईयर इज़। सो यहाँ एडवर्ब फ्रेज है। सो बेसिक ग्रामर जो भी है आप इसे ज़रूर याद रखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो जैसे एक और सेंटेंस है आई बॉट अ कार फॉर माय ब्रदर, मैंने अपने भाई के लिए एक कार लाया हूँ। सो हेयर फॉर माय ब्रदर भी एक एडवर्ब फ्रेज है। सो नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ये आपको सारे आने चाहिए, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। द वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कोर ऑफ अर्थ इज अबाउट। सो इज़ अबाउट 16। सो ऑप्शंस में जो 16 करेक्ट है। अर्थ जो है हमारी ज़मीन है, इसका जो स्ट्रक्चर जो है ये मेनली चार कंपोनेंट्स पर डिवाइडेड है, मुश्तमिल है, हिस्सों में तकसीम है। जैसे कि पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है आउटर और चौथा है इनर कोर। ये चारों जो हैं इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। द मार्स हैज़ हाउ मैनी मून्स। सो मार्स जो है इसके दो मून्स होते हैं, और नेपट्टून के कितने मून्स होते हैं, नेपट्टून के वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मार्स के दो मून्स होते हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डेमोस। सो ये दोनों आप देख सकते हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। जब आप ये वीडियो देखें तो उसके बाद testmind.pk विज़िट करें, अपना टेस्ट ज़रूर लें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन स्टोन बिल्डिंग्स आर कोरोडेड। This type of damage to the stone building is called stone cancer. इसे stone cancer कहते हैं। Stone cancer एक जो है phenomenon है जिसमें marble जो होते हैं या जो stones होते हैं, पत्थर होते हैं, इनकी discoloration होती है acid rain की वजह से। So stone cancer जो है इसका correct answer है। Contractions can be used. So ये E नहीं है यहाँ। कैन बी यूज इन, सो इनफॉर्मल लेटर्स में कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि वी आर को इस तरह लिखते हैं, ए को ख़त्म कर देते हैं, जैसे ये है इज़ नाट को, सो यहाँ ओ को ख़त्म करके यहाँ
ये कामा देकर टी दे दिया है। सो इस तरह के वर्ड्स को कंट्रैक्शन कहते हैं। कंट्रैक्शन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को छोटा करना, शॉर्ट करना, मुखफ्फफ करना। सो इस तरह ये जो है फॉर्मल लेटर्स भी में भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एडवाइस यही की जाती है कि फॉर्मल लेटर्स में यूज़ ना करें, इनफॉर्मल लेटर्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। चूज़ द इम्परेटिव सेंटेंस। सो जहाँ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो करेक्ट ऑप्शन था, मूव द चेयर्स इनटू दैट कॉर्नर क्विकली। सो ये जो है कमांड वाला सेंटेंस, कमांड के सेंटेंसेस जो भी होते हैं उनको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिनमें हुक्म हो, जिनमें कोई आर्डर हो, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इस वीडियो लेक्चर में चंद ही क्वेश्चन हमने अपलोड किए हैं। जैसे ही क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं हम वेबसाइट पर testpoint.pk पर अपलोड करते जा रहे हैं। यहाँ आपको ईटा के तमाम पास पेपर्स बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से मतलब है कि अच्छे डिटेल के साथ मिल जाएंगे। PDF भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट भी अपना ले सकते हैं। KPK या जहाँ से भी ये ईटा के टेस्ट हो रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, सो ये हमने वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है, कॉन्ट्रैक्शंस कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर्स। सो यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं और PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ साथ इस वेबसाइट की ये खासियत है कि ये आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इंग्लिश, कंप्यूटर के रिलेटेड तमाम MCQs फराहम करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीडे साइंस, उर्दू के MCQs, मैथ्स के, लॉ के, पेडागोजी के, नेव के रिलेटेड, अकाउंटिंग के रिलेटेड और इलेक्शन के रिलेटेड, इनलैंड इंस्पेक्टर जो FBR है उसके रिलेटेड, LDC, UDC के जो पेपर्स हो रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम इन पेपर्स के ईटा के तमाम MCQs अपलोड करते जा रहे हैं इस वेबसाइट पर। इस वीडियो लेक्चर की आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।